अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट अफेयर। इंडिया में जिस तरह अकलियतों पर जुल्म होता है वो किसी से ढका छुपा नहीं। हालिया महीनों में जो जुल्म भारतीय सिखों पर हुआ इसकी मिसाल मुमकिन नहीं। लेकिन आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सिखों ने फैसला कर लिया कि भारत के साथ मजीद नहीं रहा जा सकता। सिखों ने अपना आलम उठा लिया। इस सिलसिले में सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के लिए एक रेफरेंडम हुआ। इस रेफरेंडम में वोटिंग हुई और सबसे मजे की बात यह कि ये वोटिंग सरकारी इमारत क्वीन एलिजाबेथ द्वीप में हुई और सरकारी इमारत पर खालिस्तान के झंडे भी लगाए गए और अब लंदन के बाद बरतानिया के दीगर शहरों में भी वोटिंग होगी। और सिख रहनुमाओं का कहना है कि भारतीय दबाव के बावजूद बरतानिया हुकूमत ने रेफरेंडम की इजाजत दी, जिस पर हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सिख रहनुमा परमजीत सिंह ने कहा कि रेफरेंडम की निगरानी गैर जामेदार कमीशन कर रहा है, जबकि सरदार अवतार सिंह ने कहा कि भारतीय सरकार ने पंजाब पर कब्जा कर रखा है और अब सिख अपना वतन खालिस्तान बनाकर ही दम लेंगे। 50,000 से ज्यादा सिखों ने इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया। लेकिन याद रहे कि ये अभी लंदन में हुआ है, अभी बरतानिया के बाकी शहर बाकी हैं। एक शहर में इतनी ज्यादा तादाद का इस रेफरेंडम में हिस्सा लेना एक बहुत बड़ी बात है, जिसके बाद मोदी और अजीत देओल दोनों के लिए डूब मरने का मकाम होगा। सिखों की आजादी के सिलसिले में कनाडा की हुकूमत भी नरम रवैया रखती है, क्योंकि हालिया कनाडा के इलेक्शन में बहुत बड़ी तादाद में सिखों ने कामयाबी हासिल की और तो और कैनेडियन पीएम को अपनी हुकूमत बनाने के लिए भी सिखों की मदद लेना पड़ी। आपको याद होगा चंद रोज पहले तहरीके खालिस्तान ने अपना नक्शा जारी कर दिया था, वो मैं नक्शा भी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये नक्शा उन्होंने जारी किया है रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान, इसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और बिकनार को भी और दिल्ली भी इसमें शामिल कर लिया है। मतलब ये पूरा ही खालिस्तान होगा इंशाल्लाह और ये बहुत जल्द बनेगा खालिस्तान। जैसे उन्होंने नक्शा जारी किया उसके बाद भारत को तो बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं खालिस्तान तहरीक ये नहीं कि हाल ही में शुरू हुई है, बल्कि एक बहुत पुरानी तहरीक है। लेकिन बिलाकर इस तहरीक को कामयाबी मिल ही गई है और अब इस तहरीक का मकसद सिखों के लिए अलहदा वतन खालिस्तान बनाना है, जो अब बनता भी नजर आ रहा है और बहुत जल्द पाकिस्तान का नया हमसाया होगा खालिस्तान। मोदी अब चाह कर भी इसको बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि सिखों ने इसको हासिल करके ही अब दम लेना है। दोस्तों ये थी वीडियो आज की, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।